करिए और तत्काल इस पर हस्ताक्षेप करिए, नहीं तो ये हमारी हत्या कराने के फिराक में पड़ेंगे। हत्या इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब इतने दुर्दांत अपराधी के खिलाफ हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, मुकदमे में लड़ रहे हैं, ऐसा एक मुकदमा जिसमें सजा होगी और उसके अतिरिक्त सुरक्षा देने के बिना तो अलग विषय है। आपने जो सुरक्षा मेरे साथ चार साल से लगी थी पूर्व विधायक के नाते, उससे भी विड्रा कर लिया। तो इस नाते मैं सीधे सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि सरकार हत्या कराना चाहती है, मरवाना चाहती है और हम सबकी आवाज को समाप्त करना चाहती है। पर ऐसा मेरे जीते जी नहीं होगा। जब तक शरीर में आखिरी बूंद है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। न दैन्यम न पलायन, हम लोग न डरने वाले हैं न भागने वाले हैं। दमदारी के साथ लड़ेंगे, चाहे उसका जो परिणाम होगा, चाहे सरकार सुरक्षा दे न दे, हमें परेशान करे, प्रताड़ित करे, हमारे घर मकान गिरवा दे, जो भी कुछ कार्रवाई करनी हो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को, वो करें, उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। अभी आपको बता दूं कि जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था हमने, तो उसमें वहां से पत्र आया था और वहां पर लोकल थाने के और यहां के प्रशासन ने उसकी जांच की थी। तो ये गोपनीय कागज थाना चेतगंज का मुझे मिला था किसी के माध्यम से, और ये पुलिस अधीक्षक नगर को, जो ये हल्का इंचार्ज है हमारे यहां, उन्होंने लिखकर भेजा था। ये गोपनीय कागज मैंने निकलवाया कि इसमें अजय राय को जान का खतरा है, ये कागज है मेरे पास, ये गोपनीय कागज है। अब ये स्थिति है कि आप जब पुलिस के लोग बैठे लोग जब उसमें ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ये सुरक्षा हटा ली जा रही है, इसका मतलब क्या कहा जाएगा? इसका मतलब यही कहा जाएगा कि पूरी तरीके से सरकार राजनीतिक विद्वेषवश हम लोग के खिलाफ कार्रवाई करा रही है और हम लोगों को समाप्त करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी की आवाज को बनारस में दबाना चाहती है। पर हम सब लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, इनके दबाने से, इनकी सुरक्षा हटाने से ये आवाज बंद नहीं होने वाली है, बल्कि और मुखरता के साथ और दमदारी के साथ